तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि ठंडी का मौसम आ चुका है और फ्रेंड ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो फ्रेंड इस समय में सभी लोगों को अपना हाथ वगैरह सेकने के लिए एक हीटर की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कमाल का हीटर बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड इस हीटर का जो लुक है बिल्कुल मार्केट जैसे हीटर की तरह दिखता है और फ्रेंड इसकी हीट जो है उसको पूछी मत, काफ़ी ज़्यादा मस्त है, आपको हीट दे देगा। फ्रेंड इसको हमने बहुत ही कम खर्चे में बनाने की कोशिश किया जिससे कि इसको हर कोई बना सके। तो फ्रेंड चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने देखिए कुछ प्लाईबोर्ड के पीस कट कर लिए, यहाँ पे आप लकड़ी के टुकड़े को भी कट कर सकते हो। तो फ्रेंड इसके देखिए जो लंबाई है 9.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखिए 7 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड इसको हमने देखिए कुछ इस तरीके से राउंड शेप में इसको हमने कट कर दिया है इस दोनों टुकड़े को। और फ्रेंड देखिए इस बड़े वाले की लंबाई आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि इन दो देखिए जो छोटे हमने टुकड़े को कट किया है इन दोनों के बीच में हमें देखिए एक एक होल करना है और उस होल को हमें देखिए पूरा आर पार नहीं करना है और ऊपर हमें देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से देखिए 7 यहाँ पे होल करना है। तो इसको हमें देखिए आर पार पूरा होल कर देना है। तो इसी तरीके से देखिए हम दोनों में यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो चलिए हम होल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमें देखिए दोनों में कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों में कुछ इस तरीके से यहाँ पे होल कर लिया है, आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो बीच वाला होल है उसको हमें देखिए पूरा आर पार नहीं करना है और थोड़ा हमें देखिए बड़ा बड़ा कर देना है। तो फ्रेंड अब हम इसकी बॉडी को देखिए साइड साइड से चिपकाने वाले हैं। तो इसके लिए हम फेविकोल का यूज़ कर रहे हैं। तो हम फटाफट से देखिए सभी को इसकी बॉडी पूरी आपको चिपका कर फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ऊपर वाले को हमने देखिए चिपका दिया है। तो अब देखिए मैं साइड साइड वाली जो हमने पीस को कट किया था उसको भी हम फेविकोल लगाकर चिपका देते हैं। तो फ्रेंड जो फेविकोल है वो लकड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकड़ करता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से देखिए हम दोनों को साइड साइड से चिपका देते हैं। तो फ्रेंड इसको चिपकाने के बाद हम देखिए क्या करेंगे कि इसको फ्रेंड कुछ समय तक यहाँ पर सूखने के लिए छोड़ देंगे जिससे सूख कर काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड इसको हमने देखिए सूखवा दिया और फ्रेंड यहाँ पे जब हम एलिमेंट को लगाएंगे तो जो लकड़ी यहाँ पे देखिए उसका जलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल को लगा सकते हो या एल्युमिनियम शीट को लगा सकते हो। तो फ्रेंड हम आपको सस्ता जुगाड़ बताने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड देखिए जो साड़ी का डब्बा देखिए कुछ इस तरीके का आपको आता है, आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसके देखिए पीछे की साइड देखिए एल्युमिनियम जो फॉयल है वो देखिए लगी होती है और इसको आप यहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो ये नहीं जलेगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड इसको वीडियो को बनाने के बाद हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया था हीटर को, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है और ये जलेगा नहीं, आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड इसके साइज़ का हमें देखिए कट कर लेना है और देखिए हमने इसको कट कर लिया और यहाँ पे जहाँ पे हमने दो होल किया था उसको हमने देखिए साइड में दो होल भी कर लिया है। हम आपको बता देंगे कि वहाँ से हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब हमें देखिए इसको चिपकाने के लिए क्या करना है कि हमें इस पर फेविकोल लगा देंगे और इसको फिर अच्छे से यहाँ पर चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको लगा करके चिपका देते हैं। तो इसको देखिए हमें लकड़ी के बराबर साइज़ का कट करना है और इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए फिक्स हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको दाब करके अच्छे से चिपका देते हैं। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए जो साइड वाला है उसको भी हम देखिए यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स हमने बीच में देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा होल कर दिया, अगर यहाँ पे सट जाएगा तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत शौक लग सकता है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा होल किया है। तो इसको भी हम यहाँ पे फेविकोल को लगा करके चिपका देते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड का चिपका लेंगे। तो चलिए फटाफट हम चिपका लेते हैं। तो इसको हमने चिपका लिया, अब थोड़ा हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं और सूखने के बाद हमें देखिए क्या करना है कि एक छोटा सा हमें नट लेना है और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से इस साइड में देखिए यहाँ पे हमने होल किया था उसके बीच में हमें देखिए इस नट को लगाना है और यहाँ पे फेविक्विप को लगा करके आसानी से यहाँ पे हमें चिपका देना है। तो इस पर मिट्टी को लगा करके हमने मजबूती चिपका लिया। अब हमें इसके बाद देखिए एक छोटा सा बोल्ट लेना है कुछ इस तरीके का और यहाँ पे हमें फेविक्विप को लगाना है और दूसरे साइड जो हमने देखिए होल किया था उसके अंदर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अंदर की साइड फिक्स कर देना है और इसके साइड में हमें देखिए मिट्टी लगा करके इसको फेविक्विप से चिपका देना है जिससे कि और भी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो फिक्स करने के बाद हमें देखिए एक नट लेना है और इसमें देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस नट को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स इसके देखिए पीछे हमें क्या करना है कि दो वायर को लेना है और थोड़े वायर जो है कि बड़े हैं, तो इसको हमें जो हमने देखिए पीछे होल किया था वायर को निकालने के लिए किया था, तो इसमें से हमें देखिए वायर को आगे की तरफ निकाल देना है। तो दोनों वायर को हमने निकाल दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो साइकिल की स्पोक आती है उसको देखिए हम यहाँ पे साइकिल की तीली भी बोलते हैं, तो उसको देखिए उसके आगे का जो देखिए कुछ इस तरीके का जो कसने वाला जो नट होता है उसको देखिए हमें सभी को निकाल देना है। और देखिए हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे हमने देखिए होल किया था उन सभी हमें देखिए एक एक को फिक्स करना है। तो हम इस पर देखिए प्लास की सहायता से इसको ठोक ठोक करके इसे इसमें जो कि अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम फटाफट सभी को फिक्स कर लेते हैं।
सभी हमने फिक्स कर दिया है। अब सोच रहे होगे कि हमने ऊपर एक क्यों नहीं किया, तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 तीली और एक जो तीली है थोड़ी मोटी है, तो इसको हम देखिए इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड में लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए 2 फाइबर स्लिप जो है कि वायर में लगा देते हैं, जिससे कि वायर जलेगा नहीं और इस तरीके से सेफ पड़ा रहेगा। तो इसको देखिए दोनों में हमें लगा देना है, और दोनों में लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम आपको यहाँ पे देखिए 2 कुछ इस तरीके का वाशर टाइप का देखिए छोटा छोटा आता है उसको हमें लेना है, और इसको देखिए जो वायर है उसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो इसी तरीके से हम दोनों में देखिए लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद हमें देखिए जो वायर है उन पर सोल्डरिंग कर देना है, जिससे कि वायर जो कि छूटे ना और इस पर आसानी से यहाँ पे पड़े रहें। तो दोनों पे हमने सोल्डरिंग कर दिया है, और अब हमें देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का हीटर जो एलिमेंट आता है उसको हमें यहाँ पे ले लेना है। आपको मार्केट में 40 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये 1000 वाट का आप यहाँ पे 400-500 वाट का भी ले सकते हो, पर आप इसको थोड़ा सा ही चलाओगे पर इसकी जो गर्मी हो काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको दे देगा। तो इसको देखिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे, और जो हमने नट देखिए इस तरीके से लगाया था उसमें हमें देखिए घुमा घुमा कर कुछ इस तरीके से इसमें देखिए अच्छे से टाइट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से हम कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको कर देना है। और देखिए जो इस साइड वाला देखिए जो नट है उसको देखिए हमें क्या करना है कि बिल्कुल सीधा देखिए रखना है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे दोनों देखिए आपस में टच हो, देखिए इस तरीके से कर देना है, और हमें देखिए वायर को लगाना है और इसमें एक छोटा सा नट लगा देना है, तो इसको जिससे कि टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नट को लगा देंगे, और इसको देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर साइड करके जो एक उधर साइड में देखिए नट है उसको देखिए हमें ला करके दोनों के बीच में हमें कर देना है, जिससे कि इसी पे टिक जाएगा और यहाँ पे देखिए आसानी से पड़ा रहेगा। और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो चुका है, और देखिए फ्रेंड्स इसको हमने देखिए दोनों के बीच में कर दिया, और देखिए काफ़ी मजबूती से हो चुका है, और आप देख सकते हो दोनों साइड में हमने कुछ इस तरीके से इसको लगा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर जो साइकिल की तीलियाँ हैं इनको सभी को हम इसमें लगाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हीटर को हमने नट की सहायता से लगाया है, जिससे कि अगर बाद में आपको चेंज करना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड जो साइकिल की तीली है उसको भी हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे टाइट करके लगा देते हैं, जिससे कि आप बाद में कभी भी खोल करके जो एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग इस समय कमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हमने देखिए सभी को लगा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर लिया, और इसको देखिए हम साइड में ही छोड़ देते हैं, जिससे कि हम इसको बाद में कभी भी खोल सकें। और यहाँ देखिए हम ऊपर की साइड भी यहाँ पे देखिए एक पीस को कट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा करके इसको फेविक्विक से हम चिपका देते हैं, क्योंकि इसको हमें परमानेंटली यहाँ पे फिक्स कर देना है। और यहाँ देखिए जो फ्रेंड्स पीछे वाला वायर है उसको देखिए हमें ग्लूगन की सहायता से यहाँ पे हमें देखिए साइड में अच्छे चिपका देना है, जिससे कि खिंचाव पड़ने पर निकले ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लगा करके इसको अच्छे चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद हम आपको इसको चला करके भी दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। आप बने रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसको देखिए हमने कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स, और देखिए अब हमें क्या करना है कि बस इसकी टेस्टिंग करनी है। और यहाँ देखिए हमने वायर में एक प्लग भी लगा दिया है, जिससे कि इसको हमें बोर्ड में लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, हम आसानी से इसको लगा सकें। तो देखिए अब हम चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ देखिए हमने बोर्ड को ला दिया है, और अब हम देखिए इसके प्लग को इसमें लगाते हैं, और आपको हम इसको चालू करके दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम इसको चालू कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये जो कि धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया, तो अभी ये हो रहा है। तो हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी हम आपको दिखा सकें। तो हमने वीडियो को फास्ट कर दिया, और देखिए गर्म हो रहा है, आपको थोड़ा हल्का हल्का देखिए रेड टाइप का दिख रहा होगा। तो फ्रेंड ये हल्का हल्का रेड हो चुका है, तो आपको उजाले का नहीं दिख रहा था, तो देखिए हमने अंधेरा कर दिया, और देखिए फ्रेंड्स ये रेड हो रहा है और हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और अभी देखिए फ्रेंड्स और भी ज़्यादा ये रेड होगा, ऐसे ही देखिए धीरे धीरे हो जाएगा। और फ्रेंड जो इसकी हीट की बात करें तो इतनी गजब आ रही है कि आप बना कर देखिएगा, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत ही अच्छी आपको हीट दे देगा, आप मार्केट से इसको काफ़ी ज़्यादा कम पैसे में बना सकते हो। तो फ्रेंड आपको अगर डर लगा हो कि पीछे जो हमने देखे साड़ी के गत्ते वाला एल्युमिनियम फॉयल लगाया वो पिघल जाएगा, तो फ्रेंड वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद हमने इसको काफ़ी समय तक चलाया और इस पर देखिए कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप बनाकर देख लीजिएगा, और आपका काफ़ी ज़्यादा सस्ते में काम भी हो जाएगा। और फ्रेंड जो हीट है उसकी वो पूछिए मत, काफ़ी ज़्यादा आपको ये आपका जो पूरा कमरा है उसको आसानी से गर्म कर देगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमने बहुत ही अच्छे से बनाया है। और फ्रेंड वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पा रही थी, पर अब जो कि आपको वीडियो टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स कुछ काम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो अब आपको वीडियो अच्छे से मिलती रहेगी। और फ्रेंड इसको देखिए ये आसानी से बहुत ही अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इसको देख लोगे। तो फ्रेंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमने इसको बनाया है। और फ्रेंड अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।